नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराम मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी का आपका जो वीडियो नंबर है वो है आपका 49। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है आपका भारतीय मुद्रा प्रणाली यानी कि इंडियन करेंसी सिस्टम, विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनिटाइजेशन, भारत में प्रतिभूति मुद्रण तथा सिक्कों का उत्पादन, टकसाल या का मिंट्स ये कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, इनको हम यहाँ पर कुछ प्रमुख टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं कि अगर आप इस वीडियो से 100% लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नोटबुक जरूर तैयार करना है, नहीं तो आप जो है कुछ ऐसे टॉपिक हैं उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको घबराहट होगी। अगर आप नोट तैयार करेंगे तो आप क्या कर सकेंगे, आप एक बेस्ट मतलब जो तरीका होता है पढ़ने का वो कर रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आप क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाई चाहती है वो आप उसको नहीं देते हैं तो क्या होगा आपका कि आप जो आपका एग्जाम में जो आप चाहते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो है भारतीय मुद्रा बाजार यानी कि इंडियन करेंसी सिस्टम के बारे में, न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में, विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, भारत में प्रतिभूति मुद्रण तथा सिक्कों का उत्पादन के बारे में बात करेंगे, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के बारे में बात करेंगे, बैंक नोट प्रेस देवास के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के बारे में बात करेंगे, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, इसके बाद यहां पर बात करेंगे हम टकसाल के बारे में। ठीक है, भारत सरकार की प्रमुख टकसाल हैं या जो कि चार हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि कोलकाता वाली हो गई, हैदराबाद वाली हो गई, मुंबई वाली हो गई, नोएडा वाली हो गई, और इसके बाद एक और टॉपिक होगा जो कि प्रमुख है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, कभी कभी आ जाता है, रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है सिंबल ऑफ रूपी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, समझते हैं भारतीय मुद्रा प्रणाली ये क्या होती है उसको समझते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई ये एक सिस्टम है उसको समझते हैं। तो भारत में न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली या न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत मुद्रा का क्या किया जाता है, निर्गमन या मुद्रा को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। नोट को जारी करने के लिए यह प्रणाली 1956 में आरबीआई को द्वारा क्या किया गया था, मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में नोट जारी करने के लिए इसी प्रणाली को क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। इस प्रणाली के तहत यानी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली या न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत प्रचलन विभाग के पास मुद्रा के रूप में सोना तथा विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय क्या नहीं होना चाहिए, 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, तो इसमें अगर विदेशी मुद्रा है या फिर विदेशी ऋण पत्र है या फिर सिक्योरिटीज हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उनकी जो कीमत है वो 85 करोड़ या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन सोना जो है किसी भी समय, सोना जो है 200 करोड़ में से सोना जो होना चाहिए अब उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, कम से कम 115 करोड़ होनी चाहिए, या हम ऐसे कह सकते हैं आपका 115 करोड़ से किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विमुद्रीकरण यानी डी मोनेटाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके तहत क्या होता है, पहले से चली आ रही मुद्रा को क्या किया जाता है, प्रचलन में से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, और उसके तहत क्या किया जाता है, नई मुद्रा को प्रचलन में लाया जाता है या जारी किया जाता है। मैं फिर से बोल दूँ, मान लीजिए ये इस समय हम मान लीजिए इन परफ्यूम्स को क्या करता हूँ, या ये मान लीजिए मुद्रा है इसको मैं इस समय इस्तेमाल करता हूँ, और ये क्या है इस समय ये प्रचलन में है, लेकिन मैं 8 नवंबर 2016 को ये घोषणा कर देता हूँ कि अनुराग मिश्रा का ये इन दोनों को जो इनका प्रचलन किया जा रहा है उन दोनों को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और उसकी जगह क्या किया जाए, दो नई मुद्राएं लाई जाएं, यानी कि दो नए नोट लाए जाएं आपके 399 वाले और 499 वाले, तो ये क्या होगा, विमुद्रीकरण कहलाया जाएगा, यानी कि पहले से जो चली आ रही मुद्रा है उनको क्या कर दिया, इनको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, अब अगर इनको इस्तेमाल किया जाएगा तो गैर कानूनी माना जाएगा, अब उसकी जगह पर इन मुद्राओं का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो आइए क्लियर करता हूँ, एक एक पॉइंट समझते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं, आगे बात करते हैं, मैं क्लियर कराऊं आपको इकोनॉमी की भाषा में। आइए, तो मैंने क्या बताया, इसके तहत पहले से चली आ रही जो मुद्रा है उसको क्या किया जाए, प्रचलन में से या कहें उसको जारी है जो मुद्रा उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसकी नई उसकी जगह पर क्या किया जाए, नई मुद्रा को चलवाना ही क्या है, नई मुद्रा को चलवाना या उसका प्रचलन करवाना या उसको जारी करना ही विमुद्रीकरण
कहा जाएगा, ठीक है। एकदम सरल भाषा में समझें तो समझें तो पुरानी जो मुद्रा चली आ रही है उसको बंद करवाकर नई मुद्रा को क्या करना, चलवाना ही, या नई मुद्रा का प्रचलन करवाना या नई मुद्रा को जारी करवाना ही विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को आपको तीसरी बार विमुद्रीकरण कर दिया गया था, जिससे इससे पहले, यानी कि इस मतलब सॉरी मैंने क्या बताया, जैसे कि 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, जिसके तहत 500 और 1000 के जो नोट थे गैर कानूनी, या 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था, इसकी जगह नए नोट 200, 500 और 2000 के नोट चालू किए गए थे। इससे पहले आपका और भी 2 बार डिमोनेटाइजेशन किया गया है, यानी कि विमुद्रीकरण 1946 में और 1956 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बात करते हैं भारत में प्रतिभूति मुद्रण तथा सिक्कों का उत्पादन। यानी मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग, ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस है, कहीं पर भी कहीं सिक्कों का उत्पादन होता है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, कुछ प्रिंटिंग प्रेस है उनको समझते हैं। तो करेंसी नोट प्रेस नासिक, यहाँ पर करेंसी नोटों का क्या किया जाता है, प्रिंटिंग कराया जाता है, छपाई की जाती है। तो नासिक कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, ठीक। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर 10, 50, 100 और 500 के नोटों क्या की जाती है, छपाई की जाती है। सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद, 1967 और 68 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर करेंसी नोटों का क्या किया जाता है, करेंसी नोट बैंक के और करेंसी नोट के पेपर, गैर अदालती स्टाम्प पेपर की क्या की जाती है, छपाई में लगने वाले कागजों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यहाँ पर छपाई नहीं की जाती, जो कागज़ होते हैं, जो कि नोट बनते हैं, जो कि आपके गैर अदालती स्टाम्प पेपर होते हैं, उनकी जो भी उसमें जो कागज लगते हैं उसकी यहाँ पर निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर पड़ता है देवास। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 तथा 2000 के नोटों की क्या की जाती है, वर्तमान में छपाई की जाती है। चलिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। हैदराबाद पड़ता है आपका तेलंगाना में इस समय। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, यानी कि ये इस तरह के जो भी राज्य हैं, यहाँ पर जो डाकघर में इस्तेमाल की जाने वाली जो भी सामग्री है उसका, ठीक है, पूरे देश की केंद्रीय शुल्क स्टाम्प की यहाँ पर छपाई की जाती है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। पूरे देश के लिए डाक संबंधी लेखन सामग्री, बैंक के चेक, बॉन्ड्स, राष्ट्रीय बचत पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों की यहाँ पर छपाई की जाती है, ठीक है। कहाँ पर, आपका महाराष्ट्र नासिक में, ठीक है। और जो आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद है, वहाँ पर क्या किया जाता है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके लिए डाक लेखन सामग्री और पूरे देश में केंद्रीय शुल्क स्टाम्प है उनकी यहाँ पर प्रिंटिंग या छपाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टकसाल थोड़ा से देख ले। टकसाल का मतलब होता है जो यहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, तो उनको थोड़ा से देख लेते हैं। आइए देखते हैं, भारत सरकार की 4 टकसाल हैं, जो कि आपका है आपका नोएडा, ठीक है, मुंबई या बॉम्बे हम कह सकते हैं, हैदराबाद और कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। तो भारत की 4 टकसाल हैं, कोलकाता यहाँ पर आप देख जाएंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी, हैदराबाद इस समय तेलंगाना की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, नोएडा आपका दिल्ली के पास, ठीक। इनमें से मुंबई तथा कोलकाता की जो टकसालें, यानी मुंबई और कोलकाता की जो टकसालें हैं, उसमें सिक्कों के अलावा, यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ऐसे जो भी सिक्के थे उनके अलावा यहाँ मेडल की भी ढलाई की जाती है, मेडल भी बनाए जाते हैं, जो भी मेडल वगैरह दिए जाते हैं उसकी, ठीक है। चलिए चलिए साथी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं रुपए का प्रतीक चिन्ह के बारे में, यानी सिंबल ऑफ रुपीज के बारे में, ये क्या है तो उसको समझते हैं। तो रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, आर की रचना, यानी कि रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है इसकी रचना आईआईटी के एक छात्र थे, जो कि मुंबई आईआईटी मुंबई के एक छात्र थे, इनका नाम था उदय कुमार, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, इसको बनाया गया था या रचना की गई थी। इसमें क्या किया गया, जो देवनागरी का जो हमारा आर अक्षर होता है, यानी कि जो रा अक्षर होता है, रा से रथ वाला जो हमने पढ़ा था बचपन में, उसके अक्षर का रा तथा रोमन अक्षर के आर से मिलते जुलते एक प्रतीक की रचना की थी। यह चिन्ह जो है भारतीय मानक, यानी कि इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ISCII तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक यूनिकोड में क्या कराया गया है, शामिल कराया गया है। यानी कि अगर रुपए की बात की जाए तो क्या बनाया जाता है, इस तरह का सिंबल बनाया जाता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, आप इससे लाभ लेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो जो है कैसा लगा।
और सपोर्ट करते रहें, तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मेरा जो चैनल था हैक हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आप शेयर करेंगे तो फिर से जो मेरे लोग जुड़े हुए थे मुझसे फिर से जुड़ जाएंगे और लाभ फिर से लेने लगेंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में या फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें आपको PDF जो है मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।